दोस्तों, प्रोफेसर एचसी वर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। न जाने कितने लाख स्टूडेंट्स इनकी बुक्स पढ़ के आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं। शायद ही कोई बच्चा हो साइंस लिया हो और एचसी वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में ना जानता हो। कहा जाता है कि ये बुक्स पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। इसके जरिए प्रोफेसर एचसी वर्मा को हर साल करोड़ों की रॉयल्टी मिलती है। इसे वे प्रधानमंत्री फंड या दूसरे सोशल कॉज में डोनेट कर देते हैं। उन्होंने दुनिया की सारी फिजिक्स की बुक पढ़ डाली थी। इनफैक्ट अमेरिका वाले ने उन्हें ऑफर भी किया था, पर उन्होंने मना कर दिया। दोस्तों, उनके बारे लोग कहते हैं कि एचसी वर्मा फिजिक्स में इतने खोए रहते थे कि क्लास में लुंगी ही पहनकर पढ़ाने आ जाते थे। उनके हाथों में कोई किताब नहीं होती थी, साधारण कपड़े होते थे और चेहरे पे मोटा सा लेंस का चश्मा होता था। और तो और, उनके बारे लोग यहाँ तक कहते थे कि 2000 के दशक में दो ही भगवान माने जाते थे, एक क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर और फिजिक्स की दुनिया में एचसी वर्मा। तो आज हम फिजिक्स के भगवान कहे जाने वाले प्रोफेसर एचसी वर्मा के ही बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एचसी वर्मा का पूरा नाम हरिश्चंद्र वर्मा है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1952 को बिहार राज्य के दरभंगा जिले में हुआ था। एचसी वर्मा बचपन में पढ़ने में ज़्यादा तेज नहीं थे, एक एवरेज स्टूडेंट थे। एचसी वर्मा के पिताजी टीचर थे। शुरुआत में मैथ्स और साइंस की शिक्षा उनके पिता ने ही उनको दी। स्कूल के टाइम में उन्हें साइंस और मैथ्स से ज़्यादा रुचि नहीं थी। आगे ग्रेजुएशन के लिए एचसी वर्मा का एडमिशन पटना साइंस कॉलेज में हुआ। यहाँ के फैकल्टी से प्रभावित होकर एचसी वर्मा के मन में साइंस और मैथ सब्जेक्ट में रुचि बढ़ गई। और तो और, उनकी रुचि इतनी बढ़ी कि पटना यूनिवर्सिटी के बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एचसी वर्मा ने गेट के एग्जाम क्लियर किया और आईआईटी कानपुर से एमएससी में एडमिशन ले लिया। आईआईटी कानपुर में एचसी वर्मा ने सभी लड़कों में टॉप किया और 10 में से 9.9 सीजीपीए हासिल किया। इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से ही डॉक्टरेट की पढ़ाई की और 3 साल से कम समय में ही पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली। आईआईटी कानपुर में इस असाधारण प्रतिभा प्रदर्शन के कारण इन्हें अमेरिका में प्रोफेसर बनकर पढ़ाने का भी ऑफर आया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एचसी वर्मा ने अपने देश में ही रहकर बच्चों की मदद करने का सोचा और 1980 में पटना साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर लिया। साइंस कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हुए उन्होंने देखा कि बच्चे फिजिक्स की पढ़ाई का आनंद नहीं ले रहे, बल्कि पढ़ पढ़कर उब रहे हैं। जितना एक्सपेरिमेंट एचसी वर्मा ने अपने पढ़ाई के दौरान फिजिक्स की किताबें जैसे फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, रेसनिक एंड हॉलीडे के साथ किया था, उतना एक्सपेरिमेंट यहाँ के तेज स्टूडेंट्स भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण भाषा और सांस्कृतिक का अंतर था। गांव सब के बच्चे बुक्स की लैंग्वेज में ही उलझ कर रह जाते थे और अपनी पढ़ाई की रुचि को खो बैठते थे। इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एचसी वर्मा ने एक बुक लिखने की सोची जो कि लैंग्वेज की इस प्रॉब्लम को दूर कर सके। इसके लिए उन्होंने 8 साल तक कठिन परिश्रम किया और हमारे बीच कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आया। यह बुक फिजिक्स की सुंदरता को उजागर करने में सफल रही। इस बुक की सफलता का कारण था इसके सिंपल लैंग्वेज और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। ये बुक आईआईटी जेई की तैयारी के लिए भी लगभग सभी बच्चों द्वारा यूज की जाती थी। एचसी वर्मा लगभग 15 साल तक पटना यूनिवर्सिटी में रहे और 1994 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आईआईटी कानपुर में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने बच्चों को बहुत टॉपिक पर पढ़ाना और क्वांटम फिजिक्स नामक एक बुक लिख दी। आईआईटी कानपुर के अलावा उन्होंने शिक्षा और समाज के लाभ के लिए भी अपना योगदान दिया। उन्होंने 30 जून 2017 को रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। फिजिक्स की पढ़ाई आसान बनाने के लिए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर एचसी वर्मा ने घरेलू दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले 300 क्लासरूम एक्सपेरिमेंट बनाए। इनकी मदद से पढ़ना लिखना समझना आसान हो गया। ये एक्सपेरिमेंट बेलन, चमटा, गिलास सहित तमाम घरेलू सामान से बनाए गए थे जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मॉडर्न साइंस के एग्जांपल्स को सिंपल बनाने में साबित हुए।
फिजिक्स की दुनिया में मशहूर शिक्षक प्रोफेसर एचसी वर्मा को 11 नवंबर 2017 को मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से भी नवाजा गया और तो और उन्हें 2020 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, आपको एचसी वर्मा की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे।